फाइनली स्पाई यूनिवर्स की सिनेमैटिक बॉम्ब ऑफ द ईयर सलमान खान की स्मैशी रोरिंग मूवी टाइगर 3 का अल्टीमेट एक्शन पैक ट्रेलर आउट हो चुका है। और ऑनेस्टली कहूँ तो टाइगर के चीखे निकाल देने वाले इस ट्रेलर के अंदर किसी ने डोमिनेट किया है तो वो कोई और नहीं बल्कि चुंबन देवता इमरान हाशमी है, लिटरली जिसके एक छोटे से पावर ग्लिम्स ने पूरा ट्रेलर का माहौल बना दिया है। वेलकम टू पाकिस्तान टाइगर। तो सलमान खान के टाइगर 3 के ट्रेलर को देखने के बाद मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही था कि इस बार टाइगर के कैरेक्टर के पक्के घोड़े लगने वाले हैं टाइगर 3 के अंदर, क्योंकि फ्रीकिंग पाकिस्तान का टाइगर इमरान हाशमी बंदे ने अल्टीमेटली पूरा मूड बना लिया है कि इस बार सलमान खान के टाइगर के कैरेक्टर को बहुत ही छप्पड़ फाड़ लेवल पर साइकोलॉजिकली और फिजिकली डैमेज करते हुए पूरे इंडिया की नजरों में टाइगर जैसे सुपर स्पाई कैरेक्टर को गद्दार बना के ही छोड़ेगा। अब इस फकिंग मेसी सिचुएशन को अविनाश राठौड़ यानी टाइगर का कैरेक्टर पूरे एक्शन के साथ कैसे हैंडल करेगा और पाकिस्तान के टाइगर के कैरेक्टर को किस तरीके से बजाएगा, लिटरली इस टाइगर वर्सेस टाइगर के अल्टीमेट बैटल को देखते समय रोंगटे खड़े होने वाले हैं थिएटर में, क्योंकि लॉजिक लगा के देखा जाए तो इमरान हाशमी का टाइगर का कैरेक्टर किसी कंट्री के मैटर का रबड़ी रोना ना रोते हुए अपने खोई हुई फैमिली का अल्टीमेट बदला रिवेंज पर्सनल होकर टाइगर के कैरेक्टर को उड़ा के लेना चाहता है। और टाइगर 3 के ट्रेलर के अंदर जिस तरीके से इमरान हाशमी के टाइगर के कैरेक्टर ने जो हार्ड हिटिंग कोल्ड अल्टीमेटम देते हुए जो कड़क मोनोलॉग मारा है और उस चीज के जो एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंस है सलमान खान का टाइगर का कैरेक्टर और उसकी फैमिली भुगत रही है वो इस चीज का बहुत ही बड़ा और तगड़ा एग्जांपल है कि इमरान हाशमी का टाइगर का कैरेक्टर 10 गुना ज्यादा शार्प इंटेलिजेंट और फकिंग पावरफुल है। आई मीन ट्रेलर के अंदर ऐसा ही नहीं पकड़ा गया टाइगर का कैरेक्टर और टाइगर वर्सेस टाइगर के इस अल्टीमेट बैटल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का काम करेगा इस ट्रेलर के अंदर दिखाए गए गूज़बम देने वाले एक्शन सीक्वेंसेस जिसमें हेलीकॉप्टर से लेकर टावर तक और ब्रिज से लेकर पूरे के पूरे पैलेस तक को उड़ाया गया है वो भी जी फाड़ के रखने वाले नॉटी एक्शन सीक्वेंसेस के साथ जिसमें ये कटरीना कैफ का टॉवेल वाला सीन भाई साहब इतना कड़क सेक्सी एक्शन सीक्वेंस मैंने इससे पहले किसी भी इंडियन मूवी के अंदर देखा ही नहीं है। तो डेफिनेटली जोया का कैरेक्टर थिएटर में बहुतों की बॉटल के ढक्कन खोलने का काम करेगी और इस टॉवेल वाले एक्शन सीक्वेंस का मैं एक्सटेंडेड वर्जन देखने के लिए काफी बेताब हूँ। बट ऑन टू द पॉइंट सीरियस होकर भी अगर टाइगर 3 के हाई ऑक्टेन एक्शन की बात करें तो आई मीन टाइगर 3 के अंदर पठान से भी 2 गुना ज्यादा हार्डकोर लेवल का एक्शन हमें देखने को मिलेगा वो भी आंखों को ऑर्गेज्म देने वाले स्टनिंग विजुअल्स के साथ। कहने का मतलब ये कि टाइगर 3 के ट्रेलर के हर फ्रेम को देखो जिस स्टैंडर्ड और क्वालिटी लेवल के सीजीआई वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी इस माइंड को ब्लास्ट कर देने वाले टाइगर 3 के ट्रेलर के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली अगर मूवी की स्टोरी अच्छी निकली तो इस साल टाइगर 3 बैड एस स्पाई यूनिवर्स की वो सेकंड मूवी होगी जो बॉक्स ऑफिस को स्मैश करते हुए 1000 करोड़ छापेगी, क्योंकि सोने पे सुहागा वाली बात ये है कि टाइगर 3 के अंदर पठान का कैमियो तो कंफर्म ही है। ऑलरेडी कंफर्मेशन पठान मूवी के साथ इस ट्रेलर के अंदर भी हो चुकी है जहां पर टाइगर का कैरेक्टर फोन पर बात करता है किसी से ये कहते हुए कि उसे इस मिशन में उसकी जरूरत है। हालांकि उसके नेक्स्ट शॉट में टाइगर जिंदा है के कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है बट मैं डैम श्योर हूं कि टाइगर ने पठान को ही फोन लगाया होगा ये कहते हुए कि उसे उसकी जरूरत है। तो इस चीज से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान के टाइगर ने बहुत ही बुरी तरीके से इंडिया के टाइगर को बैड बैड तरीके से फंसा दिया है। बट यहाँ पर 440 वोल्ट का झटका देने वाला क्वेश्चन ये है कि जब पठान के कैरेक्टर की एंट्री टाइगर 3 के अंदर होगी तो क्या वो सच में टाइगर की हेल्प करेगा या फिर अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर को फॉलो करते हुए शाहरुख खान का पठान का कैरेक्टर भी ना चाहते हुए भी टाइगर के अपोजिट जाके उसका शिकार करने लगेगा। और क्या पता ऐसे टाइम पर कोई और नहीं बल्कि मे बी पोस्ट क्रेडिट सीन में जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर टाइगर की हेल्प कर दे। तो फाइनली यही कहूंगा कि टाइगर 3 का बॉम्ब्लास्टिक ट्रेलर अपने तोड़ू लेवल के एक्शन और दिल को चीर फाड़ के रखने वाले इमोशन के साथ दिवाली के मौके पर बहुत ही बड़ा सिनेमैटिक बॉम्ब फोड़ने वाली है। बट जाते जाते दिल में टेंशन टाइट कर देने वाला क्वेश्चन ये आया है कि क्या सलमान खान की टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की पठान का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1000 करोड़ का मैग्नोपस नंबर बॉक्स ऑफिस पर छाप पाएगी। इस पर तुम्हारे जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन है कमेंट करके बता सकते हो। तब तक जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय। वेलकम टू पाकिस्तान टाइगर।